हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दादी माँ पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न बता रही हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक का नाम बताएं। लेखक का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन, यानी ऑप्शन वन जो है वो सही जवाब है। उसके बाद सही जवाब है ऑप्शन वन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सही जवाब है। लेखक जो है शिवमंगल सिंह सुमन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लेखिका की कमजोरी क्या थी। लेखिका की कमजोरी क्या थी कि वह घर की याद उसे सताने लगी थी। लेखक की कमजोरी थी, सॉरी, तो उसे घर की याद सताने लगी थी। यहाँ पर सही जवाब जो है तीन, ऑप्शन नंबर तीन है। उसके बाद प्रश्न आता है, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था। दादी माँ का व्यक्तित्व जो था स्नेह और ममता से भरा हुआ था। तीन ऑप्शन जो बाद में दिए गए हैं, क्रोधपूर्ण भी वो नहीं थी, झगड़ालू भी वो नहीं थी और चिड़चिड़ी भी नहीं थी। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो सही जवाब है ऑप्शन वन। उसके बाद प्रश्न आता है, दादी माँ उदास क्यों रहती थी। उदास क्यों रहती थी, क्योंकि दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी और उसको वो धोखा मानती थी कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके जाने से, मृत्यु से वह बहुत उदास दुखी रहा करती थी। तो यहाँ पर सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर तीन है, ये वाला, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही क्या है, दादाजी की मृत्यु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाया करते थे। तो सही जवाब है, आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस लर्न होते रहे, साथ साथ रिवीजन भी होता रहे। तो आप बताएंगे कि कौन से महीने में बच्चे बारिश में नहाया करते थे पाठ में। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, सही जवाब है ऑप्शन तीन। प्रश्न आता है, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी। तो वह रात भर गीत गाया करती थी। सही जवाब है ऑप्शन चार। प्रश्न आता है, कौवा पहले कहाँ बैठा था। तो कौवा पहले खिड़की पर बैठा था, ऑप्शन दो जो है वो सही जवाब है, वह खिड़की पर बैठा था। प्रश्न आता है, नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर के आई थी। तो क्या लेकर के आई थी दादी माँ, फल लेकर के आई थी। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है वो सही जवाब है। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब मैं जो आपको बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो बता रही हूँ। तो लेखक की कमजोरी क्या है, लेखक की कमजोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर भी उसका मन प्रायः व्यथित हो जाता है, यानी वह दुखी हो जाता है, घबरा जाता है। मित्र किस प्रकार का दोमुहा व्यवहार करते हैं। लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उसे कमजोर और घबराने वाला कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार दोमुहा व्यवहार दिखाई देता है। कवार के दिनों में सिवान यानी नाले के पानी में क्या क्या बह करके आता था। तो कवार के दिनों में सिवान नाले में साई और मोथा की अदगली घास, घेऊर और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की घासों के बीज बह करके आ जाया करते थे। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। आपने चैप्टर को पढ़ा भी है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार वो उन्हें बीमार होने पर, बुखार होने पर खिचड़ी बनवा करके खिलवाया करती थी और बाकी सारे काम जो हैं उन्हें जितना भी पता था फर्स्ट एड के लिए सारे लेखक के लिए सेवा पानी किया करती थी। तो उसकी देखभाल दादी माँ किया करती थी। दादी ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखा। दादी ने कंगन इसलिए संभाल करके रखा था क्योंकि वह उनके वंश की निशानी थी। दादी ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। देखिए,
जो ब्रह्मा हैं उनका मन निश्चल और निर्दोष बताया है। तो बालक भगवान का रूप होते हैं, इसलिए दादी ने कहा कि उनका मन निश्चल और निर्दोष होता है और लड़के का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। इसके बाद जो है, यहाँ आपको मैंने ये सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपको, मैंने और चैप्टर्स के भी सभी MCQ अपलोड कर रखे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी देना कि जो आपको प्रश्न चाहिए हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी या मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के विज़िट कर लीजिए और आपको सभी चैप्टर्स